हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ हैं BMW X5 के साथ। अच्छा, X5 ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई गाड़ी आई है, X5 आ चुकी है, ये वही वाला वेरिएंट है। लेकिन फर्क यहाँ पर ये है कि ये गाड़ी अब आपको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी मिलेगी। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आता है फर्क प्लग इन हाइब्रिड की वजह से। मोटर ऐड हो जाएगी तो थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो माइलेज है वो भी आपको पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर मिलने वाली है। क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। पहले गाड़ी को देखते हैं। सबसे पहली चीज़, X5 उन लोगों के लिए बेस्ट कार है जिनको साइज़ में बहुत बड़ी कार नहीं चाहिए और बजट थोड़ा सा उनका लिमिटेड है। मतलब X7 जितना साइज़ नहीं चाहिए या उतना पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन यस, BMW की एक अच्छी सिग्नेचर कार आप लेना चाहते हैं तो X5 एक बहुत परफेक्ट चॉइस है वहाँ पर। बैक प्रोफाइल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर एंटीना मिलता है, आपको रूफ रेल्स ऑफर किए गए हैं, स्पॉयलर आपका ड्यूअल शेड में है, बॉडी कलर एंड ब्लैक पियानो फिनिश का यहाँ पर यूज़ आपको दिखाई देगा। डिफॉगर मिलता है आपको, वाइपर मिलता है, LED टेल लैंप्स आपको मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एंड ह्यूज हैं। और यहाँ पर ये डिज़ाइन एलिमेंट इसमें ऐड किया गया है जो साइड से कार को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। और जो ये BMW के इंसर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं। X Drive 50e यहाँ पर मेंशन किया गया है। ई यहाँ पर शो कर रहा है प्लग इन हाइब्रिड को। X Drive यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ ये व्हीकल मिलता है। और ये 4x4 बहुत डिफरेंट होता है हमारी नॉर्मल 4x4 से। बता चुकी हूँ बहुत सारे वीडियो में, स्मार्ट 4x4 इसको हम लोग बोलेंगे कि जो टायर्स हैं वो अपने आप जज करते हैं किस टायर को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। हर टायर के अंदर इक्वल पावर नहीं होता, स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोअर पार्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा एंड बोथ आर रियल, ये फेक नहीं है, डिजाइनिंग के लिए ऐड नहीं किया गया, दोनों एग्जॉस्ट यहाँ पर वर्किंग है। कैमरा दिया गया है आपको, पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं एंड यस, लोअर पार्ट में ये जो पार्ट आपका ऐड किया गया है उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टियर लगेगी। बूट पे आप जाएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो पैटर्न दिए गए हैं, ये ऊपर वाला भी आपका ओपन होता है और ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है ये भी आपका ओपन हो जाते हैं लाइक दिस। बहुत ह्यूज स्टोरेज आपको यहाँ पर ऑफर की गई है, बहुत सारा सामान आपका आ जाएगा। और इस पार्ट की हेल्प से आप जितना भी यहाँ पे सामान रखेंगे उसको कवर भी कर सकते हैं, सो दैट बाहर से कोई उस चीज़ों को देख ना पाए। आपकी अगर एक्सपेंसिव चीज़ें हैं लाइक योर लैपटॉप, कुछ भी आपका वॉलेट वगैरह रखना है आपको, बिना किसी टेंशन के आप रख सकते हैं, चोर को पता ही नहीं चलेगा कि रखा क्या है, छुप जाएगा वो। यहाँ पर आपको एक्स फैक्टर, X5 है तो यहाँ पर एक्स दिखाई देगा। फर्स्ट एड किट के लिए आपको जगह दी गई है यहाँ पर नीचे के साइड में। मैंने बड़ा खुश होकर सोचा था कि यहाँ पे मुझे स्पेयर टायर मिलने वाला है, लेकिन एक हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ आपको जैक एंड टूल किट रखने के लिए जगह दे दी गई है, दैट्स इट। और ये जो आगे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इसका बैटरी यूनिट है। टैंक की अगर हमें बात करेंगे तो फ्यूल टैंक आपको 69 लीटर्स का ऑफर किया जाता है। X5 आपको पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर मिल जाएगी। आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेगी आपको। जो एलॉयज की डिज़ाइनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन के साथ ऑफर की जा रही है आपकी X5। टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 21 इंच के टायर्स दिए जाते हैं। क्लैडिंग आपको बॉडी कलर में ही दी गई है। यहाँ पर अगर हम कार के डायमेंशन की बात करें तो ये जो गाड़ी आपकी है ये 4.9 मीटर लॉन्ग है। कार की जो ब्रॉडनेस है वो आपकी अराउंड 2 मीटर्स है। कार की जो हाइट है हमारी वो 1.7 मीटर्स है। 2.9 मीटर्स का आपको व्हील बेस ऑफर किया जाता है और जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया इसमें मिलती है। 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। और प्लग इन हाइब्रिड में आपके पास चार्जिंग के लिए यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है, इस तरीके से आप यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं। कार के फ्रंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रंट से भी कार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इनफैक्ट बोलेंगे कि मेन अट्रैक्शन इस कार का फ्रंट ही है। ये वाला जो पार्ट है ना आपका पूरा ग्रिल को लेकर और ये पूरा जो ब्लैक वाला पार्ट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा 5 सीरीज इंस्पायर्ड लगेगा। बहुत ज़्यादा सिमिलर बनाया गया है, बहुत ज़्यादा सेम आपको लगता है, बस उसके अंदर थोड़ा सा ये होता है जो ये ओपनिंग है ना ये डिफरेंट तरीके से दी गई है। इसमें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पार्ट ओपन होता है, ऊपर वाला फिक्स है, इसके अंदर ये पूरा ओपन हो जाता है आपका। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर ये भी है कि 5 सीरीज़ में आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई है, यहाँ पे वो लाइट्स हटा दी गई है। अदरवाइज पूरा लुक आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है, काफ़ी ज़्यादा कार आपको बल्की लुक देगी, काफ़ी ब्रॉड लुक देती है। लाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो लाइट के अंदर भी आपको ब्लू एलिमेंट नोटिस में आएगा। BMW LEDs को नाम दिया गया है यहाँ पर। ये जो एरोज हैं ये आपके BMW 5 सीरीज में थोड़े छोटे साइज़ के थे, थोड़े थिन थे, यहाँ पे इसको ब्रॉड दिया गया है क्योंकि ये साइज़ बड़ा हो गया ना, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को बदला गया है। बाकी LED हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं।
BMW की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे जो ब्लू एलिमेंट का यूज आपको दिखाई दे रहा है ये शो करता है दैट दिस व्हीकल इज हाइब्रिड। अच्छा X5 के इंटीरियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबको पता है इन्होंने अपना ये स्क्रीन पूरा चेंज कर दिया है। पहले ये अलग अलग इंडिविजुअल स्क्रीन्स आते थे, इसको इंटीग्रेट किया गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा यार सारी दुनिया इस पैटर्न के क्यों पीछे पड़ गई है, चाहे कम बजट की कार है चाहे लग्जरी कार है, हर गाड़ी के अंदर आपको ये पैटर्न मिल जाता है। ये मर्सिडीज का पैटर्न था जो हर कंपनी ने चोरी कर लिया है, इन्होंने इसको थोड़ा कर्व और कर दिया, कर्व्ड आपको मिलता है ये स्क्रीन। यहाँ पर आपका जो इंफोटेनमेंट है ये आपको एप्पल कारप्ले दे देगा, एंड्रॉयड ऑटो दे देगा, दोनों वायरलेस दे देगा भैया। व्हीकल एप्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आपको यहीं पर दी गई है, आपको सारी सेटिंग अपने स्क्रीन से करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको ये नॉब्स दिखाई दे रही हैं ये बेसिकली सिर्फ एयर डायरेक्शन के लिए है, कोई फिजिकल कंट्रोल एज सच उसके लिए नहीं है एसी के लिए आपके पास, तो ये थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए मुसीबत बन जाएगा ड्राइव करते टाइम पर। बाकी स्टेयरिंग हमारा हीटेड है, सीट वेंटिलेशन आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर की जाती है। X5 के अंदर ये वाला पार्ट ऐड किया गया है और ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, रात के टाइम पर बहुत अच्छा सा अट्रैक्शन देता है। ऊपर के साइड में आपको सनरूफ ऑफर किया गया है, जैसे X7 के अंदर आपको यहाँ पर स्टार रूफ दिया जाता है, यहाँ पर सिंपल सनरूफ आपको मिलता है। और ये जो सब चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ ना कि उसमें ऐसा मिलता है उसमें ऐसा मिलता है, तो X7 और X5 की अगर प्राइस की बात करें तो अराउंड 30 लाख रुपए का आपको फ़र्क मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे पुरानी X5 को कंपेयर करें इस न्यू X5 से और देखें क्या क्या चीज़ें बदली गई है, तो सबसे पहला चेंज आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ी सी लाइटिंग्स वगैरह के साथ X5 लिख के ऐड किया गया है, ये नॉब्स आपकी ऐड की गई हैं। उसके बाद जो आप पीछे की तरफ मूव करेंगे गाड़ी के बिल्कुल एंड तक चले जाइए, एक्सेप्ट दिस गियर लीवर, हर चीज़ एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट जो आप साइड डोर्स भी देखेंगे ना, इनकी डिज़ाइनिंग, इनका पैटर्न, ये भी बिल्कुल सेम रखा गया है। और जो ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश दिखाई दे रहा है ये आपको प्लग इन हाइब्रिड वर्जन के अंदर ही मिलेगा, नॉर्मल वाली X5 के अंदर आपको वो दूसरे वाला मिलेगा जो थोड़ा सा वुडन फिनिश आपको देता है। बाकी ये आपका नेविगेट करेगा आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे, बाकी सारे कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मीडिया, होम, मैप। यहाँ से आप अपनी गाड़ी की हाइट एडजस्ट करेंगे, ये बेसिकली आपका एयर सस्पेंशन के लिए है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपका यहाँ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है और यहाँ पर 8-speed स्टेप्ट्रॉनिक 4 ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया है। बाकी हैंडरेस्ट में आपको डिसेंट साइज का स्टोरेज दिया गया है, इसके अंदर एक टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है और लाइट आपको मिल जाती है अंदर, तो रात के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा इसके अंदर। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें ये लॉक कंट्रोल के साथ आता है और इसके अंदर भी आपको बहुत ही ठीक ठाक साइज का स्टोरेज मिल जाता है। बावर्स एंड विल्किंस का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया जाता है और ये आपको 16 स्पीकर सिस्टम के साथ ऑफर किया जाएगा। काफी सारी कंट्रीज में BMW आपको ऑप्शन देता है कि आप या तो बावर्स एंड विल्किंस का म्यूजिक सिस्टम ले लीजिए या फिर हार्मन कार्डन का। इंडिया में मेरे हिसाब से हार्मन एंड कार्डन के साथ ही आएगा ये। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपके पास है, बहुत स्टाइलिश आपको लाइट दी गई है, सनरूफ आपको मैं बता चुकी हूँ, दो पार्ट में स्प्लिट है ये। रियर में जो सबसे पहली चीज़ आपको ऑफर की गई है वो है सीट वेंटिलेशन, लेदर अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया, बहुत प्रीमियम क्वालिटी लेदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी कुशनिंग, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सेंटर में मत बैठिएगा कमर टूट जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज दिया गया है और ये है हमारा खुलजा भाई ट्विन कप होल्डर, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा जैसे मैंने किया इसमें अभी। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये दिखाई देगी कि आपको इसको अपनी तरफ ऐसे पुल करना है और आपके पास पूरा एक्सेस है अपने बूट का, तो आप अपना कुछ भी सामान यहाँ से ले सकते हैं, कोई बच्चा बच्चा छुपा के भी ले जा सकते हैं आप कोई लाश ठिकाने लगा के भी ले जा सकते हैं, बीच बीच में देख लेना उसे कि आत्मा वात्मा के भूत तो नहीं बन गया। और यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, ब्लोअर सेटिंग यहाँ से करोगे। इस कार के अंदर 4-zone AC है, ड्राइवर, पैसेंजर और ये दोनों पैसेंजर, ठीक है। नीचे के साइड में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, दो टाइप सी पोर्ट आपको दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया गया है। बाकी मल्टीमीडिया स्क्रीन वगैरह आप यहाँ पे लगवा सकते हैं और यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किया गया है। और दूसरी चीज़ एक बहुत अजीब मुझे ये लगी कि यार इतने करोड़ों रुपए खर्च करके आपको ये मैनुअल सन ब्लाइंड क्यों दिए हैं, ये तो हमें आजकल हर बेसिक कार के अंदर मिल जाते हैं, तो ये चीज़ भी बकवास है। बट ओवरऑल गाड़ी सुंदर है, गाड़ी अच्छी है। और अगर इतने नखरे नहीं करने के मैं ये सन ब्लाइंड क्यों लगाऊं, वो क्यों करूं, ये क्यों करूं, फिर आपको जाना पड़ेगा इसके अपर वर्जन पे जो है हमारा X7, और फिर X7 के लिए अपने फिर पॉकेट को उतना ही टाइट कर लेना, बहुत अच्छी खासी महंगी पड़ेगी वो। और अगर प्लग इन हाइब्रिड में आ गई वो, तब तो भैया 2 करोड़ पे जाएगी वो। इंजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको
3 लीटर ट्विन टर्बो 6 सिलेंडर के साथ इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि आपको पावर देता है 487 हॉर्स पावर की। और जो यहाँ पे आपको एडिशनल पावर मिलती है मोटर के थ्रू, वो आपकी है 197 हॉर्स पावर। टॉर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, ये आपका कंबाइंड टॉर्क है। और अगर माइलेज की बात करें तो कंबाइंड माइलेज इंजन की और जो आपकी मोटर है, वो आपको जो माइलेज यहाँ पर ऑफर की जा रही है, दैट इज 66 KMPL, जो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, खतरनाक वाली है। मतलब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसे की बात करें तो 1,22,00,000 रुपये इस कार का एक शोरूम प्राइस है। उसके बाद थोड़े बहुत टैक्सेस वगैरह जोड़ के आप बोलेंगे तो अराउंड 1,35,00,000 तक इस कार का प्राइस हमारा पहुंच जाएगा। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि माइलेज आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली मिलने वाली है। अरे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो गई है कि हमें 66 की माइलेज मिल रही है, पेट्रोल के अंदर कार है तो 15 साल के लिए हमें गाड़ी मिल गई है। तो मतलब एक बार पैसा खर्च करके आप रिलैक्स रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बैटरी की बात करेंगे तो 25 kWh की बैटरी का यूज़ किया गया है, जिसे अगर आप इंडिविजुअली यूज़ करेंगे तो वो आपको रेंज देगी 113 किलोमीटर्स की। तो दोस्त ये थी हमारी BMW X5, जो प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार बन जाती है बिकॉज ऑफ इट्स माइलेज। गाड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर। और इंडिया में बहुत जल्दी लाएंगे ये, ऐसे डेफिनेटली लाने ही वाले होंगे, तो जब इंडिया में आएगी तो इंडिया वर्जन आपको दिखाई देंगे। बाकी इंटरनेशनली कार हमारी आ चुकी है।